हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर। वेलकम टू माय चैनल आईटी इन 5 मिनट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी सिस्टम को किस तरह से रिमोटली शट डाउन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का आपने मिसयूज नहीं करना, ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए है। सो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली अपने स्टार्ट आइकन पे आना है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। अब आपने सर्च की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब ये सर्च बार पे आपने टाइप करना है CMD, और अब कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन आ गई है। आपने सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो अपीयर होगी, या मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सो गाइज, आपने जिस भी सिस्टम को शट डाउन करना है, सबसे पहले उसका आपके पास IP एड्रेस होना लाजमी है। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप स्कूल में काम करते हैं, तो वहाँ पे सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो जिस सिस्टम को आपने शट डाउन करना है, आपने उसका IP एड्रेस निकाल लेना है। उसके लिए आपने ये कमांड टाइप कर लेनी है, netstat। आपने netstat टाइप कर लेना है और प्रेस एंटर करना है। सो, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे IP एड्रेसेस शो हो गए हैं। सो गाइज, मैं फिलहाल अपने सिस्टम पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और मैं किसी के सिस्टम को शट डाउन नहीं कर रहा। सो ये मेरा होम नेटवर्क है और उसका IP एड्रेस आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने IP एड्रेस आ गया। आपने देख लेना है, एस्टेब्लिश डेट यहाँ पे लिखा हो, वहाँ पे आपने उसका जो है लोकल एड्रेस ये नोट कर लेना है। सो मेरा IP एड्रेस है 192.168.0.101। आप देख सकते हैं ये मेरा IP एड्रेस है। अब आपने सेकंड कमांड जो सिस्टम को शट डाउन करने के लिए टाइप करनी है, वो ये है। आपने यहाँ पे लिख लेना है शट डाउन स्पेस -i। अब आपने प्रेस एंटर करना है। सो आपके सामने ये रिमोट शट डाउन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। अभी यहाँ पे आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपने IP एड्रेस डाल देना है जिस भी सिस्टम को आपने ऑफ करना है। सो मेरा IP एड्रेस है 192.168.0.101, और प्रेस अब मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रीस्टार्ट की ऑप्शन है, आपने सिंपली इसको शट डाउन पे कर लेना है। अब ये 30 सेकेंड है, आपने इसको 60 सेकेंड कर लेना है, ताकि एक मिनट का टाइम के बाद जो है सिस्टम शट डाउन हो जाए नेक्स्ट पर्सन का। कमेंट में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, हुर्रा योर सिस्टम इज माइन नाउ। और मैं यहाँ से जैसे ही ओके प्रेस करूंगा, सो अब आप ये देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है और मैसेज शो हो गया योर सिस्टम इज माइन नाउ। और ये उसकी जो हेडिंग है वहां पे लिखा है यू आर अबाउट टू बी साइंड आउट। सो ये नेक्स्ट पर्सन को मैसेज पहुंच जाएगा कि 60 सेकंड्स के बाद उसका सिस्टम जो है शट डाउन हो जाएगा। सो मैं सिंपली इसको फिलहाल के लिए यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। और अगर आप इस कमांड को रोकना चाहते हैं, इस सिस्टम शट डाउन को, सो आप यहाँ पे एक थर्ड कमांड लिख सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे शट डाउन स्पेस -a और प्रेस एंटर करें। अब आप सिंपली यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं, लॉग ऑफ इज कैंसल्ड, द शेड्यूल शट डाउन हैज बीन कैंसल्ड। सो जो शट डाउन होने वाला था 60 सेकंड्स के बाद, उसको आपने यहाँ से कैंसिल कर लिया। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं सिंपल सी वीडियो थी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।